नमस्कार, आमर स्वतंत्र स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेस्क्रिप्शन को स्वागत करुछि मु निवेदिता। दर्शक बंधु, भारत में प्रति 6 जनक मध्यरे जने व्यक्ति डायबिटीज रोग से पीड़ित होउछन्ती, तेणु एहाको नियंत्रण करिबा अत्यंत आवश्यक। रक्त में शर्करा परिमाण आवश्यकता ठारो अधिक हेले ताकु डायबिटीज बा मधुमेह बोली आमे कहिथाउ। तबे डाक्टर बा विशेषज्ञक मत, कोरोना भूताणु बा कोविड-19 डायबिटीज रोगीक पई क्षतिकारक। डायबिटीज रोगी कोरोना भूताणु द्वारा संक्रमित हेले या शरीर रक्त शर्करा स्तर को विशेष भाव प्रभावित करिथाय। आउ एभली परिस्थिति रे अवस्था जटिल होई पारे, तेणु एथिप्रति सचेतन हेबा निहाती आवश्यक। तेणु आपण को विभिन्न रोग संबंध में सतर्क कराइबा पई एवं जेकोनोसी रोग संबंधी विभिन्न टिप्स देबा पई आमर स्वास्थ्य भित्तिक कार्यक्रम प्रेस्क्रिप्शन। समग्र विश्व में डायबिटीज बा मधुमेह रोग एक जटिल समस्या भाव देखा मिलूँ, आउ यह बेसी जटिल स्थित को डाकि आणुच्छे। जितेबाद जड़े डायबिटीज रोगी कोविड महामारी द्वारा संक्रमित होपटे विशेषज्ञ मत, भाइरस द्वारा संक्रमित अधिकांश व्यक्ति मृत्यु मध्य अधारू अधिक रही डायबिटीज रोगी, जहाँ को शुणा मात्रे चिंता बढ़ुच्छे। तेज कोविड महामारी समय केमी करवा डायबिटीज को नियंत्रण एवं कौन खाइबे ना केमी रही सतर्क आउ कौन रही यार उपचार, ए सबूक नहीं आलोचना करवा। आ सबुथर भाई आलोचना आज आम सह अच्छा समस्त जनाशुना वरिष्ठ मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक कानुनगो। तबे डॉक्टर कानुनगो, आपण को आलोचना को स्वागत करबि एवं जानिबा को चाहिबि आपण केमति अछन्ति। हॉस्पिटलटा कोविड हॉस्पिटल हे जाय छि, किड्स डायबिटीज हॉस्पिटलटा, तेणु आम मैंने बहुत व्यस्त अछु, बिजी अछु। ता छड़ा शह शह हजार हजार लोक टेलीफोन रे गाँ गहली सबुआड़ रोगी मैंने पचारमती रे कि सावधानता अवलम्बन करेंगे, सेतिपय बेस बिजी अछि, खुशी अछि, सुखी अछि, सावधान अछि। आज्ञा सर, आपण जदि सुस्थ रहिबे ताहले आमे ही सुस्थ रहिबु, काहेकि ना सिचुएशन जहा आपणकर आवश्यकता अत्यंत जरूरी, तेणु आपण प्रथमे सुस्थ रुहंतु, तापरे आमे बोधवे तापरे ऑटोमेटिक सुस्थ होइ जिबु। तबे डॉक्टर कानून को प्रथम प्रश्न रहिबो जे डायबिटीज थिले कोविड-19 रो मृत्यु संख्या मृत्यु रो आशंका रहिछि कि? डायबिटीज थिले अन्य जेकोनसी रोग हौ, जीवाणु हौ कि भूताणु हौ, से रोगटा को बढ़ई दिए, अंतत दुई गुण बढ़ी जाए। यदि साधारण लोक 10% जीवे डायबिटीज 20% किंतु गला थर कोरोना रोग रे हिसाब करी देखा गला 16-22% रोगी, जेते लोकर 100 जन जी मृत्यु होउची ता देरे 16-22 जन डायबिटीज अछि बा डायबिटीज जोगु बढ़ी जाउची। एथर किंतु किछि डाटा जणा पड़नी, एथर जी भूताणु बहुत मारात्मक बेस भयंकर, तेणु आमे आपको अनुध्यान करुचु, अनुशीलन करुचु और सेथिपाई चिकित्सा जारी रहिछ। आज्ञा डॉक्टर कानून को, कोरोना समय रे डायबिटीज को आमे केमिति नियंत्रित करबा, काहेकि ना आपण को बळे डाक्टर विशेषज्ञ जो तथ्य दउछंती लोके भयभीत होउछंती, तबे केमिति जणे डायबिटीज रोगी कोविड-19 समय रे ए जो डायबिटीज को केमिति नियंत्रित करबो? आज्ञा एथर दीटा दिग अछि, गोटे हूँ डायबिटीज रोगी जहाँ को कोविड है और डायबिटीज रोगी जहाँ को कोविड है ना, जो मन को है ना से माने बेसी व्यस्त हवा दरकार नहीं, घर भीतर रहिबे, होम आइसोलेशन रहिले भल, निजर अन्य मानक सहित छुआ आउ मिला मिसा ए सब कम करिवे, निजे घरे मास्क पिंधिबे, घर भीतर भी मास्क पिंधिबे सर्जिकल मास्क, बाहर को गले सर्जिकल मास्क उपरे गोटे कॉटन मास्क किबा N95 मास्क पिंधिबे, हाथ सबुबेले सानिटाइजर रे सफा करिवे, दरकार हेले साबुन रे धोइबे 20 सेकंड रो अधिका, आउ दूरत्व मेंटेन करिवे, आगे 6 फुट को आउतला एबे ताठो आउरी अधिका दूरत्व मेंटेन करले अन्य ठरु भलो, कारण गला थरो को आउतला ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, एथरो को आउची एटा आपनकर वायु कणिका द्वारा चली जाउची बा, तेणु या किभलि भाबरे जीवो ताहा मध्ये जणा नाही केभलि भाबरे देह को आसीबो, तेणु जेते सावधान रहिबे, भल खाद्य खाइबे, गरम गरम खाद्य खाइबे, सबु खाद्य खाई हबो, डायबिटीज रोगी जहाँ खाइबा उचित से भली खाद्य खाइबे, रुटी हो भात हो जहाँ भी हो ता संगरे आइस हो कि छेना हो खीर हो दही हो फल गजा मुग गजा बुट हल्दी पानी
ए सब व्यवहार कले अंला व्यवहार कले आप देह रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी आउ टिके खरा भी आप देह पड़ा दरकार ताले आपण सुस्थ रहिबे डरिवार किछि कारण नाही आपण निजकु जगी रहिले कोरोना आपणकु हबनी किंतु जो मानकु हेइ गलाडी तांकर टिके अवस्था असुविधा कारण तांकर रोग कमेया पई सेमानकु स्टीरॉइड नामक एक औषध नबाकु पड़े और स्टीरॉइड रो गुण होची से आपणको डायबिटीज कु बढ़ई दबो 100 150 रहुतिबा डायबिटीज 400 500 600 रे पहुंचि जिवो सेतिमे डाक्टर माने इंसुलिन न व्यवहार करचुंती ओ इंसुलिन दे दिने दि दिन तीन दिन भितरे सरकरा को नियंत्रण करचुंती आपणकर जदि कोविड समय रे सरकरा बढ़िला आपणक चिकित्सक सहित संगे संगे जोगाजोग करंतु ये से आपणक एथेरे बाटो बती देबे आज्ञा निहांती तेबे जे दर्शक माने आमको देखुचंती समस्त को से गोटे परामर्श जहाँ डॉक्टर कानून को कहते जे स्टीरॉइड नामक जो मेडिसिन रही नियंतु एवं इंसुलिन जदि आवश्यकता रही नियंतु एवं प्रॉपर टाइम रे डॉक्टर को परामर्श मध्य नियंतु तेबे डॉक्टर कानून को आउ गोटे प्रश्न रहइबो केते परिमाण रे डायबिटीज थिले जणक जीवन प्रति विपद थाए सेमती किछि नाही डायबिटीज कम थाई कि भी जदि हार्ट रक्त नली ए सब चोक हे गला ताले जीवन में मृत्यु हो जाऊे किंतु जदि अधिका सुगर है 500 रु अधिका है केवल डायबिटीज जो भी मृत्यु होमा हो डायबेटिक किटोसीडोसीस कोरोना नथिले भी मृत्यु होणु डायबेटिस रोगी सबुबले जेकोसी रक्त सर्करा को खाइला 200 तलकु और खाली पेटर 100 तलकु रखा उचित तथा खाली पेटर 100 120 130 खाइला 220 आरि भीतर रहिले विपद किछ हबो नै ताटु अधिका गले सचेतन हेबे आ निजर डाक्टर को सहित परामर्श करिवे खाइबा बटिका को एडजस्ट करिवे दरकार रहले इंसुलिन नेबे आ बॉडी सुगर को 300 400 रे रखिबेनी रखिले केतेबेले विपद माडि आसीबो तार ठिकाना नै ओके तबे डॉक्टर कानून को साधारणतः जणे लोकटिए साधारण लोकटिए केमिति जानिबो जे से डायबिटीज द्वारा पीड़ित काहेकि ना प्रथमे सेमति किछ लक्षण देखा दिए कि जे जणे जानि परिबो कि हाँ मते डायबिटीज होबा को जाउछ अर्थात मु डायबिटीज द्वारा पीड़ित होबा को जाउछ एटा अति साधारण जिनस लोक डायबिटीज रो मूल तीनटा लक्षण अधिक भोक हबो अधिक शोष हबो अधिक परिश्रा हबो आपण झड़ी जिबे आपणको चर्म सुखिला देखा जिवो आखि जाल जाल देखा जिवो परिसरा द्वार मो कुंडेई हबो तणु एभळि किछि समस्या हेले आपण निजु काळे डायबिटीस हेला बिलि भाबिबे आ दुर्बल लागिवो ओके दुर्बल लागिले आपणको जदि आगो भळि जेमति काम करथले जदि से शक्ति न मिलिवो तले आपण जानिबे जे आपणको होय त डायबिटीस हेछि डायग्नोसिस भरि सहज परिसरा आजिकालि दरकार नै खाली ब्लड सुगर फास्टिंग आउ खाइला परे कर देले सर्करार मात्रा जदि 126 रु अधिका खाली पेटरे ओ खाइला परे 200 रु अधिका तले आपनको डायबिटीज हेच बिले जानिबे ओ डाक्टरनको सहित परामर्श करिवे ओके निहंती बाबरे जे जे भली पाबे डॉक्टर कहथले जे जदि ए सब लक्षण आपनकर भी देखा जाउछि तबे आपन मध्य डायबिटीज द्वारा पीड़ित होबा को जाउछन्त आ विशेष करी आमे जेमती आज आलोचना करछन्ती जे जो डायबिटीज रोगी माने रहछन्ती कोविड एमानक प्रति केते विपज्जनक होइ पारे जदि आपन डायबिटीज रोगी तबे आपन भी जदि कोविड द्वारा संक्रमित किबा संक्रमित हला परे आपन सुस्थ अछन्ती तबे कोन सब करबा दरकार ए बाबत आलोचना मध्य आगो को जारी रहइबो तबे डॉक्टर कानून को हमर जे तो लाइव प्रोग्राम चलछि हम जने कॉलर कॉल करछन्ती तांको कॉल टी नै जिबा हेलो हेलो आज्ञा के कहथले कोड कहथले मैडम कहू जी गणेश पंडा कहू जी बेंगलोर रु कहू जी आज्ञा गडा सब कोन प्रश्न रही छी आपण जानिथबे टॉपिक क्या रही छी जदि डायबिटीज रोगी को प्रति कोविड 19 केते मारात्मक काम सतो डॉक्टर कानून को छथि आपण सदा सब को प्रश्न पचारी परबे हमर किछि डायबिटीज रो किछि ये नाही ओके तो प्रश्न जा भी रही छी आपण पचारी परबे आज्ञा आज्ञा हेलो हेलो आज्ञा गणेश साहब आपण सुनि पडछंती आज्ञा आ प्रश्न कोन होय छी आपण सीधा सरको पचारि परिबे हेलो हेलो आज्ञा गणेश साहब आपण प्रश्न कोन होय छी आपण पचारि परिबे हम सतो डॉक्टर कानून गो अछंती
ସାର୍ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଟିକେ 6 ମାସ ହେଲା କାଶ ହଉଛି ଲାଗି ରହୁଛି, ଟିକେ କମୁଛି ଟିକେ ବଢୁଛି, ଆଉ ଥଣ୍ଡାଟା ବି ଲାଗି ରହୁଛି, କେବେ ଛାଡି ହଉଛି ପୁଣି ହଉଛି, ଆଉ ନାକରୁ ପାଣି ବୋହୁଛି। ଆଉ ଡାଇବେଟିସ କିନ୍ତୁ ସେଭଳି କିଛି ନାହିଁ ଆମର, ଆମେ କାଶଟା ଛାଡ଼ୁନି କାହିଁ, ସେଟା ଟିକେ ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଗଣେଶ ବାବୁ, ଆପଣ ଛାତିର ଫଟୋ ଉଠେଇଛନ୍ତି, ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଲର୍ଜି କଫ ହଉଛି, ୟୁଜୁଆଲି ଇସୋନୋଫିଲିକ ବ୍ରୋଙ୍କାଇଟିସ ହେଇଥାଇ ପାରେ। ଆପଣ ନିଜ ପାଖ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ର ଇସୋନୋଫିଲିଆ ଚେକଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଗୋଟେ ଛାତିର ଏକ୍ସରେ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହା ଟିବି ଜନିତ କି ସାଧାରଣ ଇସୋନୋଫିଲିଆ ହେଇଛି ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଓ ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ତେବେ ଡକ୍ଟର କାନୁନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିବା, ଯେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ରହିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେମିତି ଜଣେ କଲର୍ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ, କୋଭିଡ୍କୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ରହିଛି, ତେବେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ନୂଆ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆସୁଛି, ବିଶେଷ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କୋଟିନା କୋଟି ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତେବେ ଡକ୍ଟର କାନୁନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ର ସେମିତି କୌଣସି ବୟସ ସୀମା ନାହିଁ, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ 45 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୁହନ୍ତୁ, 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କମ୍ ବୟସ୍କଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଦେଖାଦେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ଏଇଟା ଭାରି ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଅଭାବ ହେଇଥିବାରୁ ଡାଇବେଟିସ୍। ସେମାନଙ୍କ ବିଟା ଜୀବକୋଷ ଅଗ୍ନାଶୟରେ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ହଠାତ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଅଟୋଇମ୍ୟୁନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ, ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ବାହାରୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନଦେଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟାଏ ରକମର, ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1-2% 100ରେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଉଛି ତାକୁ କୁହନ୍ତି ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍। ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଟିକାରେ ଚିକିତ୍ସା କରିହେବ ଓ ତାପରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଦରକାର ହେବ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଅଣନିର୍ଭରଶୀଳ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଗରଟା ସେ ବଂଶଗତ, ବାପା ଜେଜେଙ୍କର ଥିଲା, ତାପରେ ବାପାଙ୍କୁ ହେଲା, ତାପରେ ନାତି ନାତୁଣୀକି ହେଲା, ତାପରେ ସିଏ ଯେମିତି ଚାଲିବ, ବଂଶଗତ ଜିନ୍ ଥାଇକିରି ବା ଗୁଣସୂତ୍ର ଥାଇ ଯଦି ପରିବେଶ ଅସୁବିଧା ହେଲା ବା ଆପଣଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଠିକ ରହିଲାନି, ମୋଟା ହେଇଗଲେ, ପେଟରେ ଚର୍ବି ହେଲା, ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହିଲେ, ରାତି ଅଧିଆ ମାନେ ନିଦ ହେଲାନି ଡ୍ୟୁଟି କଲେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଯଦି ମିଶିଗଲା ଆଉ ଜେନେଟିକ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ତାହେଲେ ଲୋକର ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଯାଏ ଡାଇବେଟିସ୍ଟା ଓ ତାକୁ ସିଏ ହଇରାଣ କରେ, କିନ୍ତୁ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ହେଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବଂଶରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟାୟାମ ଡାଏଟ୍ ଏସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବେ ତାହେଲେ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିହେବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଓଜନକୁ ଯଦି ଆଦର୍ଶ ଓଜନରେ ରଖିପାରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ ବା ସହଜରେ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଡକ୍ଟର କାନୁନଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ କରିବା। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଲ୍ଟି ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, କିଏ କହୁଥିଲେ, କୋଉଠୁ କହୁଥିଲେ? ମ୍ୟାଡମ୍ ପ୍ରସନ୍ନ କହୁଥିଲି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସଦାସଖ ପଚାରି ପାରିବେ, ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର କାନୁନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିପାରୁଛି। ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିବ? ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର କାନୁନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ। ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ, ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଭଲ୍ୟୁମ୍କୁ ଟିକେ ଡାଉନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ସିଧାସଳଖ ଆମ ସହିତ ଡକ୍ଟର କାନୁନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି, କୋଭିଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କିମ୍ବା ଯଦି ଡାଇବେଟିସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ କୌଣସି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କୋରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ସଚେତନ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ 3 ମାସ ହେବା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇପାରିନି, 3 ମାସ ହେବା ମୁଁ ଯାଇପାରିନି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରିବାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିବା ବ୍ୟସ୍ତ। ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରସନ୍ନ ବାବୁ? ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଏବେ ରହୁଛି 110 ରହୁଛି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟା 110 ରହୁଛି ଏବଂ ଆଫ୍ଟର୍ ଫୁଡ଼୍ଟା 170 ରହୁଛି।
डॉक्टर कानून को सजम या तो ठीक अच्छी, आज्ञा या आज्ञा तो ठीक अच्छी, रिपोर्ट ठीक अच्छी, आपण जाई पारनांती जे ए सब असुविधा जोगो डाक्टर पाकु, आपण घरे गोटे ग्लुकोमीटर रखंतु जोटा टेस्ट करिकिरी ए जोटा देखौछि चित्र रे थरे आपण देखिकिरी तापरे केते वैल्यू अच्छी सेटा आपण डाक्टर सहित फोन ने कथा ही जानतु सी आपको बाट बतई देवे जदि 125 126 130 रु खाली पेटे कम अच्छी और खाला 200 रु कम अच्छी व्यस्त होवार किछि नाही ताठू अधिका हेले आपण डाक्टर सहित परामर्श करिबे। ओके तबे डॉक्टर कानून को आउ जने कॉलर मध्ये अछंती तांको कॉल मध्ये नंबर मामुनी अमर जने कॉलर अछंती। हेलो हेलो आज्ञा मैडम। आज्ञा मैडम सुनि पछंती। आज्ञा मैडम सुनि पछि। ओके तबे आपनकर प्रश्न कोन रहिछि सदासो का मसे तो डाक्टर अछंती आपण पचारी पारिबे। मैडम मोर 2 वर्ष होइ गेला ने डायबिटीज रहउछि फास्टिंग रहउछि। आज्ञा मैडम दुई वर्ष हो गलानी डायबिटीज 249-50 भीतर रहउछि फास्टिंग। आज्ञा सेकेंड रहउछि 200 भीतर रहउछि से माने खाई सारला परे किन मोर गोड़ दुईटा टिके मते दुर्बलिया टाइप रे लागुछि मैडम। ओके तबे मामुनी आपण कोन जानिबा को चाहौछन्ती? डाक्टर सहित परामर्श करंतु बा न करंतु जो न्यूरो विटामिन सब मिलुची जो थरे मेथी कोबालामिन अछि प्री गाबालिन अछि से भली बहुत औषध मिलुछ बजारे औषध दुकानी कहिले से आपनको दे देबे आपन राती रे गोटाय नेखा खांतु ए गोडो दुर्बलता गोडो बिंधिबा गोडो झिमझिम हबा एगुडा चली जीवो याकु कहंती पेरिफेरल डायबिटिक न्यूरोपैथी माने गोडो फोडो गोडो रे हाथ रे जो झिमझिम हबा बिंधिबा दुर्बल लागिबा एगुडा को आपनकर सेहिति पे होउछि तेणु भिटामिन अभाव होती खाइबा आरंभ करतु नर्व भिटामिन जोड़ा को मेथी कोबालामिन जो थे था। ओके तबे डॉक्टर कानून को आपण जेमती किस समय पूर्व आपण कहउतिले जे एटा वंशानुक्रमिक जदि आपण को पूर्वपुरुष रे काकु थाए डायबिटीज तबे आपण को ठारे मध्ये देखा जीवर संभावना थाए जदि पूर्वपुरुष रे किंबा जदि वंश रे काहार डायबिटीज न थाए ताहले कोन जण को ठारे डायबिटीज संभावना देखा जीवनी? निश्चित मु कहली दुईटी कारण रोची गोटे हूँ गुणसूत्र बा जेनेटिक ट्रांसमिशन आउ गोटे हूँ एनवायरमेंटल कॉज जो मानकर निज परिवेश परिवेश कहले देह चारिकर परिवेश बा देह भीतर परिवेश ठीक रहूनी उपास रहउछंती स्ट्रेस रे रहउछंती स्ट्रेन रे रहउछंती ओवरवेट होउछंती ताको वंशरे डायबिटीज नथिले भी सेमानको डायबिटीज हबो ओ सेइठु ताको वंशरो डायबिटीज आरंभ हला तापर ताक पिला को एवं अन्य मानको होबार संभावना हबो तेणु डायबिटीज जे आगुरु नथिले आमे बेधड़क बसिबा जे आमर होबार नाही ता ठीक नुहे तेणु डायबिटीज अन्य कारण रु मध्ये हुए ता छडा आउरी 20 25 टा कारण अछि जोटा कि जेनेटिक इम्युनोलॉजिकल वंशगत ए सब विभिन्न कारण सिंड्रोम एंडोक्राइनोपैथीज ता देर होउची तेणु पेट रे पत्थर थिले होउची ए अग्नाशय रे त्रुटि हेले होउची तेणु आपणकर डायबिटीज बहु कारण रुए मुख्यतः ए तीनटा माने छोट पिलांक डायबिटीज बा टाइप 1 डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज जोटा कि साधारण लोकन डायबिटीज ओ जेस्टेशनल डायबिटीज बा गर्भावस्था रे डायबिटीज जो स्त्री लोकनकर गर्भावस्था रे प्रथम थर कपई 5 मास 6 मास बेलकु डायबिटीज बाहरे ताको गर्भावस्था रे डायबिटीज बेली कोआ जाय ओ सेमानकु इंसुलिन दे चिकित्सा करा जाय आउ जो मानकर आगुरु डायबिटीज अछि जो महिला मानकर ओ सेमाने जेतेबेले गर्भधारण करती सेमाने गर्भधारण पूर्वरु डाक्टरक सहित जोगाजोग करी इंसुलिन नेइकिरी किछि दिन सुस्थ रहिला परे तापर गर्भधारण करबा उचित तणे ई मौलिक जिंस मानिले खाद्य संयम रखिले नियमित एक्सरसाइज बा व्यायाम कले योग प्राणायाम कले ओ ठीक खाद्य खाइले आ मानव मनकु भाराक्रांत न रखिले आपनको डायबिटीज विशेष किछि प्रभाव करिवनी। ओके
तबे डॉक्टर कानूनगो आमे जाने छंती कोरोना को बूस्ट करबा गले इम्युनिटी स्ट्रांग हेबा निहाती दरकार आमे साधारण लोकों को क्षेत्र रे आपण जेमती कहतले जो खाद्य पे व्यवहार करबा दरकार चाकू तो करबे ठीक अछि किंतु जने डायबिटीज रोगी क्षेत्र रे इम्युनिटी को केमिति स्ट्रांग करबो एवं कोन सब खाद्य खाइबा दरकार एवं केउ सब खाद्य को अवॉइड करबा दरकार ए जो डायबिटीज रोगींकर जे जहाकू जो दिन डायबिटीज हैला सेही दिनटु ता देहर इम्युनिटी कमी जाइछि सी आउ सेते इम्यून प्रोटेक्शन तार नाही बेस कमी जाइछि सुगर जो माने नियमित कंट्रोल रखिछंती तांकर टिके इम्युनिटी भलो आ जो माने बेकंट्रोल अछंती तांको देहरे इम्युनिटी बहुत कमी जाइछि माने रोग प्रतिरोधक शक्ति कमी जाइछि जेतेबेले कोरोना होउछि आमर से रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेबा दरकार ता खोला सूर्य किरण रे अछि ता भलो साग परिबा वेजिटेबल रे अछि ता गजा मुग गजा गुटे रे अछि लेंबु एसब रे अछि अदा रस रे अछि महु टिके अल्प चमचे खाइले भी ता देरे अछि हल्दी पानी पीले ता देरे अछि तेनो आम भारतीय खाद्य मुख्यतः इम्यून बूस्टिंग कराए आमर जो सेति पई जो प्रथम लहर आस्थला अमेरिका रे लख लख लोक मल्ला बेले भारत रे ते मरी नथले बर्तमान टीका दान नेले मध्ये इम्युनिटी बढ़िबो डायबिटीज रोगी माने यथाशीघ्र टीका नै जीवा उचित 45 परठु लोक मान तो प्राय नै गेलेनी जो डायबिटीज जो मान कर अछि एबे जो 1 तारिख रु खोलिबो ता देरे आपण माने 18 रु 45 वर्ष 44 वर्ष लोक माने मध्ये टीका नै जीवा दरकार भारत रे वर्तमान दुईटी टीका मिलुची गोटे हला कोवैक्सिन आम भारत बायोटेक रो आउ गोटे हला कोविशील्ड जोटा सीरम इंस्टीट्यूट रो आस्ट्राजेनिका वैक्सीन दुईटी जाक भलो पुनी स्पुतनिक आस जाउची 1 तारिख की 2 तारिख बेळकु रशियन वैक्सीन काली त अमेरिका रो साइंटिस्ट फौची कहिचंती जे कोवैक्सिन बहुत भलो प्रोटेक्शन दउची ओ तादरे पार्श्व प्रतिक्रिया कम कोविशील्ड नेले दिने अथे ज्वर होउची ओलिए ज्वर होउची किंतु आउ किछ होउ नाही कहारी किछ खेती होउनी तेनो डायबिटीज रोगी बंधु माने समस्ते जो वैक्सीन भी मिलु सब वैक्सीन उणा अधिक कम बेसी नै गले जहा मिलुची प्रथम डोज से आनेबे द्वितीय डोज से आनेबे एथर गोटे वैक्सीन आर थर को आउ गोटे वैक्सीन नेले से काम करिवनी आउ वैक्सीन टा नै गला परे से 3 मास रु कि 6 मास कि केते दिन आपन को प्रोटेक्ट करूची ता समय ही कहबो किंतु देखा गलाणी कोवैक्सिन नेला परे कि अन्य वैक्सीन नेला परे लोकन को देहरे एंटीबॉडी तयारी होउची जोटा एक रु कम बहुत धन्यवाद सर आपण हम सहित जोडी इतले एवं एभली पेंडेमिक सिचुएशन रे आपण हम सहित जोडी हेले मूल्यवान समय देले तबे दर्शक मधु आज हम सहित आलोचना करतले जनसना वरिष्ठ मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आलोक कानून को आउ से हमको कोविड समय रे डायबिटीज रोगी केमिति सतर्क रहबे एवं कोन सब उपाय अवलंबन करबा दरकार से संबंध रे अधिक आलोचना करतले तबे दर्शक बंधु कार्यक्रम को सारिबा पूर्व आपण समस्त को गोटी अनुरोध सामाजिक दूरता मास्क सैनिटाइजर व्यवहार करबा को जमार बुलंतु नाही एवं निजे सतर्क रहिबा सह निजे आपणक प्रियजनक सतर्क करांतु तबे समय सरिछि कार्यक्रम को एड़ी सारिबा पुणी देखाबो आगामी एपिसोड रे पुणी जने अभिज्ञ डाक्टर को सह से पर्यंत मते विदा दियंतु आ हां आमो वीडियो को लाइक एंड शेयर करबा को जमार भूलंतुनी रहौछु नमस्कार।